एमिडोइस। आवाज क्लियर मिला? दौड़ सकता है एंड भाग सकता है एंड चल सकता है, ठीक है। तो ये मैं यहां पर मैंने टाइगर के बारे में कुछ लाइन लिखी थी, ठीक है। तो ये था आपको कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप वर्ड में, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो ओपन करना है।
बॉक्स आएगा। आया समझ में? ठीक है, अब आता है हमारे पास कि हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हम ओपन कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं ये फाइल को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर ली है, अब ये फाइल मैं क्लोज कर देती हूँ। तो देखो मेरी फाइल डायरेक्ट ही, मेरी जो डॉक्यूमेंट है वर्ड विंडो डायरेक्ट ही क्लोज हो गई। मुझे ऑप्शन नहीं पूछा सेव के लिए, क्योंकि हमने फाइल पहले से ही सेव कर रखी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें जो एग्जिस्टिंग हमारी फाइल है बनाई है डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास एक टॉपिक है ओपन एग्जिस्टिंग, यानी कि हमने जो फाइल सेव की है उसको ओपन करना। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट बटन पर गई। ठीक है, स्टार्ट बटन पर जाकर मुझे क्या ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, आपके पास 2007 है तो वो ओपन करो, 10 है तो वो ओपन करो। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी वर्ड की विंडो आ गई। अब मैं क्या करूंगी ओपन करने के लिए, फाइल में गई। ठीक है, फाइल में जाकर ये ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन के ऑप्शन में आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखा है, फाइल में जाओगे तो आपको ये जो राइट क्लिक है वहां पर रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, उसमें हमने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था, द टाइगर। ठीक है, तो ये द टाइगर, अगर आप ये रिसेंट डॉक्यूमेंट से ओपन नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे कि ओपन में गए, उसमें से आप देखो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जो भी आपने नाम दिया है वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो आपने तो टाइगर का बनाया था तो यहाँ पर तो टाइगर दिखा रहा है, आप चूज करो तो यह फाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ओपन करोगे, और एल्स आपको ये नहीं करना है तो ओपन में गए और आपको फाइल नेम लिख कर भी आप ओपन कर सकते हो। आपने फाइल नेम दिया था तो टाइगर, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलता है, ये चूज करो और ओपन करो तो आ गया आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो। ठीक है, और आपको ऐसा ओपन नहीं करना है। ठीक है, तो फिर से मैं यह क्लोज कर देती हूँ, मेरी जो विंडो थी वो स्टार्ट में गई, वर्ड में गई और ओपन के लिए मैं क्या करूंगी, पहले फाइल में गई, फाइल में से ओपन में गई और वहां से मैंने मेरे फाइल द टाइगर नाम की डॉक्यूमेंट थी वो चूज की। ठीक है, अब ये रिसेंट डॉक्यूमेंट से मैं टाइगर को ओपन कर सकती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वहां पर दो डॉक्यूमेंट है, द टाइगर एंड ब्लास्ट मैन, तो हमने कौन सा बनाया था, द टाइगर, ये मुझे ओपन करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ये था कि आप एग्जिस्टिंग यानी कि सेव फाइल को ओपन कैसे कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ओपन करके फिर से क्लोज कर देना है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो क्लोज बटन है वहां से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब आपको एक बार फाइल में जाकर सेव कर देना है, सेव चेंजेस किया है तो सेव कर देना है, नहीं भी किया है तो सिर्फ सेव कर देना है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट है वो कहीं चला नहीं जाए। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, क्लोज। ठीक है, तो मेरी विंडो कहाँ चली गई, क्लोज हो गई। ठीक है, वर्ड विंडो थी वो क्लोज हो गई। आया समझ में? ठीक है, तो ये था कि वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कैसे